दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में नौवें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के पांचवें दिन गुरुवार को 415 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के लिए 41, मुखिया के लिए 36, सरपंच के लिए 19, वार्ड सदस्य के लिए 199 एवं पंच के लिए 120 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों का समर्थकों ने जोरदार नारों के साथ फूलमाला और अबीर से स्वागत किया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने कहा कि पंचायत का विकास ही उनका मकसद है। शंकरपुर पंचायत के नी वर्तमान मुखिया जहां आरा परवीर, सनहापुर के अमृत कुमार चौरसिया, टेक्टार की रोशन खातून, बनौली से संजू कुमारी व मोहम्मद मुमताज उर्फ छोटू, हरपुर से सरपंच के अभ्यर्थी मोहम्मद अफताब अहमद उर्फ काफिल, मनिकौली से पंचायत समिति सदस्य के लिए मनोज कुमार सिंह आदि ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर पूर्व मुखिया अहमद अली तमन ने इजहार मुन्ना, राकेश यादव कारी, राकेश यादव, राजेश्वर यादव, सेतु प्रकाश आदि लोग उपस्थित थे। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सिवड़ी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है, प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य और रह गया शिक्षा, उसके बाद वृद्धा पेंशन, मुस्माती, कन्या विवाह योजना, ये राशन कार्ड और इंदिरावास, इस सब में जो है ना सबसे ज़्यादा जोर रहेगी और कोशिश करेंगे कि इस सब में कहीं से भी जो है कोई भी तरह का जो है ये बिचौलिया का काम नहीं हो और जहां तक संभव हो हम खुद जो है इसका निपटारा करेंगे। अपने सभी पंचायत, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के सभी जनता मालिकों का अभिवादन करता हूँ और छोटे को मेरा आशीर्वाद। और हम सोचते हैं कि हम जो हमको अगर मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा जनता के लिए हमको करना है ताकि उन दोबारा फिर अगर हम इलेक्शन में लड़ेंगे तो हमको काम के ऊपर वोट मिले। क्या नाम है? दिनेश महतो। मैं सिमरी पंचायत से मुखिया पद का नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। समस्त क्षेत्रवासी एवं अपने सिमरी पंचायत वासी को इस पावन पर्व का महीना में मैं दीपावली एवं छठ का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ और हमारे जितने भी प्रशासन हैं, पत्रकार महोदय हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ दीपावली में छठ का। और मैं इस पावन पर्व में मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये शांति और सौहार्दपूर्ण पर्व को मनावे हमारे जितने भी समस्त जनता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जानकारी में होगी कि हमारे पंचायत पिछले कुछ महीने पहले विवाद में हो गया था कि एक हमारे जो वार्ड सदस्य उनकी हत्या हो गई थी, तो हमारा पंचायत बहुत ही विवादित रहा। हमारे उप मुखिया ने पंचायत को चलाया तो अपने ढंग से तो चलाए हैं, लेकिन हमारा पंचायत 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत ही विकट परिस्थिति झेली है। वहाँ पे क्या हुआ कि जल नल की समस्या, ये आवास की समस्या, उसके बाद यहाँ वहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत चरम पे रहा, जल निकासी की समस्या बहुत ही विकट रहा। हम लोग बहुत विपक्ष में थे, बहुत सारा मुद्दा उठाया, बहुत सारी जो है समस्या को झेले हम लोग और हमारी जनता जो है बहुत त्राहिमाम हो गया इस 4.5 साल के दरमियान में। तो जनता ने पिछले बार भी हमको कुछ वोट से, मैं पिछले बार निकटतम प्रतिद्वंदी रहा हूँ, बहुत ही नज़दीकी मामले में मैंने ये सीट यूज़ किया था, लेकिन इस बार हमारे जनता के द्वारा भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है हमको और आप लोग समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं पुनः अपने पंचायत को जो अभी तक वंचित है, जो समस्या से हमारा समाज, मैं उसको पूर्ण करूंगा। कि जनता से अपील कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बदलाव की बहार चल रही है, तो उस बदलाव की बहार में हमारे पंचायत में भी बदलाव लाइए और हमारे जैसे मुखिया को चुनिए। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं अपने खास करके सिमरी पंचायत की जनता को कि मैं किसी भी तरह का द्वेष भावना से हट करके समाज का सर्वांगीण विकास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार राम है, सिमरी पंचायत से सरपंच पद के लिए जो 5 वर्षीय देख चुके हैं, हमारे सरपंच साहब पूर्व में भी देख चुके हैं, आप लोग भी जानते होंगे, वो सब परिवर्तन होना चाहिए। किस प्रकार परिवर्तन करेंगे आप? जो 5 वर्षीय में नहीं हुआ है हम कोशिश करेंगे, हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम पूरे प्रयास में रहेंगे। राजनीति में आने के पीछे क्या उद्देश्य है? परिवर्तन। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार पासवान, पंचायत से मुखिया पद पर। कौन है ये आपकी? और मेरी मम्मी है। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? मेरा प्राथमिकता मेरा नारा है, हम काम किए और काम करेंगे।
आप अपने पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हम लोगों ने जो सरकार के द्वारा कार्यवाही किया गया जो निर्देश था मार्गदर्शक के अनुसार अपने काम को पूरी ईमानदारी से समाज में रख कर मिलजुल कर विकास करने का काम किया। क्या माध्यम से सबसे पहले अपने पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। उनके शुक्रिया तो हम अपने शरीर की एक एक बूंद भी निछावर कर अदा नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं उसे धन्यवाद देता हूँ कि जो हमें प्यार दिया ये कभी हम उनको प्यार को भूल नहीं सकते। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जो समाज में रखकर मिलजुल कर काम किया है जो 29 तारीख को जनता की अदालत लगेगी मुझे इंसाफ मिलेगा, बार बार मिला है इस बार भी मिलेगा। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। माता जी आपका? मनोली पंचायत से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज और छोटू मुखिया के नाम से मैं मशहूर परिचित हूँ। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं MGI यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट से मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी, किस विषय पे? मेरी जो प्राथमिकता है मनोली पंचायत को पूरे बिहार के ODF स्मार्ट सिटी नंबर 2 का दर्जा मिला है। मैं चाहता हूँ इसे नंबर 1 का दर्जा मिले, हमारा बिहार के अंदर मनोली पंचायत का नाम 1 नंबर पे हो और हमारे मनोली पंचायत का नाम 1 नंबर पे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण आयोग मंत्रालय मिनिस्ट्री में 1 नंबर पे हो, मेरी प्राथमिकता है। 10 काम को मैंने सोचा है, 10 काम को मैं अपने बनौली पंचायत को रखना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा हमारे बनौली पंचायत में 1857 ईस्वी में स्वास्थ्य केंद्र बना था, वो अभी पूर्ण रूप से चालू है बट उसमें जो है ना डॉक्टरों की कमी है। मैं उसमें एक ANM डॉक्टर, एक GNM डॉक्टर, एक MD डॉक्टर, एक एम्बुलेंस, एक जो एक्सरे मशीन मैं उसमें लगवाना चाहता हूँ, फिर खड़ा हूँ। और भगवान से और सहयोग से और आप लोग के आशीर्वाद से सारे आदमी का मैं बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस ब्लॉक में इस ब्लॉक के सारे कर्मचारी का, सारे मीडिया कर्मी का, सारे आवाम का, सारे हम अपने सपोर्टर जो हमारे सपोर्ट नहीं है उस सब का, सारे का। ग्राम पंचायत समयपुर बुजुर्ग है और मुखिया पद के लिए मैं नामांकन किया हूँ। पिछले कार्यकाल में हम अपने आप को मतलब पूरा आश्वस्त दिलाते हैं कि हमारा जनता जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है और मतलब हम लोगों को किसी से कोई टक्कर नहीं है और मतलब पूरा एक तरफा वोट जो है सो हम लोगों के साथ रहेगा। इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी? इस बार हम लोग जल जमाव में पूरी प्राथमिकता देंगे और मतलब नाला जो है सो हमारे यहाँ नाला प्राथमिकता के रूप में पूरी पंचायत में नाला का जाल बिछा देंगे। क्या बनौली पंचायत से मुखिया पद के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? जनता मुझे जिताती हो तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है उसे जनता तक 100% उसे जनता तक पहुँचाना। उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार ही यहाँ 50% आरक्षण महिला को दे रही है और जो भी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाना होगा वो सराखों पर और पंचायत में शांति बनाए रखना और विकास लक्ष्य होगा। सरकारी योजनाओं को जमीन पर कैसे उतारने का काम करेंगे? सरकारी योजनाओं को 100% कोशिश रहेगी कि उसे धरातल पर उतारें। क्या नाम हुआ? संजू कुमारी जी। कौन है ये आपकी और कौन पंचायत से कौन सा पद के लिए आज आपने नॉमिनेशन किया है? मैं अहमद अली तमन ने, ये मेरी पत्नी हुई जहाँ परवीर, शंकरपुर पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ विरासत में मुझे जो है सो पंचायत मिला जिसको जो है सो लगातार हम लोग जो है सो बचा के रखने का काम किया। 14 साल तक हम मुखिया रहे, उसके बाद 5 साल से ये मुखिया हैं, 19 साल से हम दोनों आदमी मिलकर, 1 साल पहले हमने इस्तीफा दे के राज्य सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने। और प्राथमिकता ये है कि पूरे पंचायत को, उससे पहले मेरे पिताजी विधायक हुआ मुखिया हुआ करते थे वहाँ पर, तो ये मेरी विरासत में मिली है उसको बचा के रखना, उस पंचायत को अपना परिवार समझना, परिवार के तौर पर सभी लोगों को लेके चलना, ये मेरी प्राथमिकता है। आपके माध्यम से मतदाताओं को संदेश दूंगा कि आपको भविष्य को देखते हुए आप निर्णय लें। एक आदमी को देखे हुए एक आदमी को देखिएगा। अगर आपके पास कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपके जो है जो अभी जनप्रतिनिधि हैं कोई शिकायत अगर है जो आप साबित कर पाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार का आलम है, उसमें अगर 20 साल में एक दिन भी आप साबित कर पाइएगा कि क्या ये हम किया, इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय, या शिक्षक बहाली हो या आंगनबाड़ी की बहाली हो, अगर 1 रुपया कहीं अगर जानते हो, एक व्यक्ति भी आके कह देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा प्राथमिकता है। पंचायत के मामले में हम कोशिश करते हैं कि हमारा केस जो है सो थाना तक नहीं आवे, ये मेरी प्राथमिकता है। आपस में भाईचारा बना के लोगों को लेके चलना, किसी जात के धर्म के लोग हों उसको एक सूत्र में बांध के चलना, ये मेरी प्राथमिकता है। बनौली पंचायत
समाज में विकास कर रहे हैं। किस प्रकार का विकास का कार्य करेंगे आप समाज में? हर घर में नारी लगवा, बच्चा गुरु के सेवा करे के लिए उद्धार आश्रम बनवा, अर्थात विकास। महिला सब समाजी महिला के आगू बढ़ावा के लिए प्रयास कर रहे, सभी गरीब महिला के आगू तरह से सुविधा दे रहे, अनाज के जहाँ पर हो गरीबी के घर मकान के सही सहयोग करब, महिला सबके सहयोग बेसी करब, गरीबी के बेसी सहयोग करब। की नाम है यहाँ के? रीता देवी। हम पूरा पंचायत से और सरपंच पद के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसा कि मैंने गांव पंचायत में देखा, मैंने पहले से नहीं इसका प्लान बनाया था, समाज सेवा से तो जुड़ा हुआ था, जैसे कि मैंने 26 बार अपना रक्तदान किया है लोगों को बचाने के लिए, अपना पूरा शरीर मैंने दान कर दिया है। राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य है कि गांव की जो मैंने हालात देखे हैं, सड़कों की हालात देखी है, शिक्षा की हालात देखी है, युवकों को मैं देखता हूँ कि इधर उधर भटकते रहते हैं, सही तरह से मतलब उनका खेलने का व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल, इन चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए। साथ ही वृद्ध लोगों के लिए जो कहीं पर मतलब घूमने के लिए, बैठने के लिए, जगह रहने के लिए कोई वो नहीं है, उसका विकास होना चाहिए। जो लोग को घर की प्रॉब्लम है और भी कई समस्याएं हैं, तो वो सारी सुविधाएं जो लोग भी सिलेक्टेड होके आते हैं, चुन के आते हैं, उन सारे लोगों के और गांव वासियों के सहयोग से ये पूरा होना चाहिए। पालिका में जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पंचायत लेवल पे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, लेकिन आज के डेट में गांव के लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि कोई भी बात हुई तो मुखिया जी जाके कर लेंगे, लेकिन सरपंच जो है उनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें होती है। गांव में किसी तरह की घटना होने के बाद, पंचायत में किसी तरह घटना होने के बाद, सबसे पहले सरपंच की जिम्मेवारी होती है कि उन घटनाओं को वो अवलोकन करें, पंचायत में उसका सॉर्ट आउट करें, और वहां से सॉर्ट आउट नहीं होने के बाद वो आगे मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। कुछ अगर मुकदमों को देख लिया जाए, जैसे कि मर्डर का मुकदमा है, या मर्डर हो गया, डकैती हो गई, रेप, बलात्कार, ये सारे केसेस हैं, वो आते हैं आगे के न्यायपालिका के हाथ में, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं के लिए जो कोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हुई है, उनका न्यायपूर्ण और उचित ढंग से पंचायत में, पंचायत के साथ बैठ के उसका सोल्यूशन होना चाहिए। क्या नाम है? वो प्राथमिकता रहेगा। मेरा नाम भारत भूषण चौबे हुआ। आज हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2/4 सिंहवाड़ा से नामांकन मैंने किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र का विकास, लोगों से समन्वय बना करके उनके सुझाव से, और जो भी और अन्य जनप्रतिनिधि आते हैं उनके साथ सहयोग की भावना रखते हुए और परस्पर सहयोग से एक विकास की गंगा बहाना। शिक्षा को, गुणवत्ता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। रोजगार को, रोजगार बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे केंद्र की भी बहुत सारी योजना है और राज्य की भी बहुत सारी योजना है जो पूर्ण रूप से हमारे 6 पंचायत में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण बेरोजगारी का आज इतना ज़्यादा स्तर बढ़ा हुआ है। मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि उन सारी योजनाओं को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, इन 6 योजना में सही से उसका ये हो सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। चैनल के माध्यम से हम अपने मतदाताओं से ये अनुरोध करते हैं कि हम आपसे मिल करके, आपसे मुद्दा समझ करके और उसकी प्राथमिकता तब हम तय करेंगे। क्या नाम हुआ? रियाज अहमद, सिंहवाड़ा 2/4, जिला परिषद।